आपका हमारे चैनल्स पर। आपकी फिल्म लव कनेक्शन का ट्रेलर आया, लोगों ने बहुत ही पसंद किया उस ट्रेलर को, और ट्रेलर के व्यूज भी काफी भारी मात्रा में हम देख रहे हैं, आ रहे हैं। सबसे पहले आप दोनों कितने खुश हैं अपने इस ट्रेलर को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। नमस्ते प्रणाम, हमें अभिनेता रवि त्रिपाठी। नमस्कार, मेरा नाम है श्लेषा मिश्रा जी। बताइए कितनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आपके ट्रेलर्स के लिए? ट्रेलर का व्यू जो आया है आज हमने देखा है 5 लाख के करीब पहुंच रहा है, जो कि अगर पब्लिक का ऐसे ही आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर तो जरूर वो 5 लाख के क्या 1 मिलियन जाएगा। तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी पहली फर्स्ट फिल्म है, हमको बहुत खुशी मिली है कि 5 लाख के करीब हमारा व्यू गया है 3 दिन के अंदर। जी, अगर कहें 5 लाख के व्यू के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे लिए अनबिलीवेबल है। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे थोड़ा सा डाउट था कि उतना सपोर्ट पब्लिक देगी या नहीं देगी, बट नए हीरो हैं लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट किया, और पब्लिक का जो रिस्पांस है ट्रेलर को लेकर मेरे लिए इट्स अनबिलीवेबल, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि शायद मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। बाकी आप देखते जाइए और कितना प्यार पब्लिक देने वाली है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेलर को लोग देखें और पसंद करें। जी रवि जी, जैसे कि हम ट्रेलर में देख पा रहे हैं कि लोकेशंस बहुत सुंदर लिए गए हैं, जैसे कि घाट की बात कर ले जाए और बाकी जो लोकेशंस है बहुत प्यारे लोकेशंस है। आप लोग कितना एंजॉय किए थे शूटिंग के दौरान? एक्चुअली बनारस में हुआ था मोस्ट ऑफ इसका शूटिंग, तो बनारस में तो वैसे ही बाबा की नगरी है, हमको तो बहुत मजा आया, और श्लेषा जी के साथ काम करके तो हम तो बोल नहीं सकते, आगे श्लेषा जी बताएंगी कितना हमारे बनारस साथ। तो लोग जानते ही हैं बनारस में हर गली में एक प्यार बसता है, और ये जो कहानी है ये अपने आप एक लव स्टोरी है। तो जो लोकेशन चूज़ की गई वो इसीलिए चूज़ की गई क्योंकि प्यार की कहानी को व्यक्त करना बनारस से अच्छी जगह मिलेगी नहीं। वो कहते ना तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक, क्या आगे मुझे लिरिक्स नहीं आता है, बट हाँ बनारस में शूट करना इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था कि वो जो फील है वो प्यार का और वो जो माहौल है वो शायद किसी और लोकेशन पे मिले ना मिले, बस बनारस में तो 4 चांद लग गए इस फिल्म को शूट करने में। जी श्लेषा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? रवि जैसे कि आप जानते हैं कि उनकी वो पहली फिल्म थी लव कनेक्शन, अभी तो उन्होंने और भी फिल्में कर ली है लेकिन तब वो नए नए थे, कैसे आप लोगों की तालमेल बैठ पाई उस बारे में कुछ बताइए। शुरुआत जब हुई तो एक डर तो होता ही है कि एक नए आर्टिस्ट के साथ काम करना है, पता नहीं कैसा होगा, थोड़ा सा खुद को सपोर्टिव बनाना पड़ता है, बट यहाँ उल्टा हुआ। जितना मैं डरी हुई थी मुझे पहले दिन सेट पे पता चला कि बहुत ही सुलझे नेचर के हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं नए टैलेंट को, और मैंने इससे पहले फिल्म की हैं लेकिन बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये फिल्म उन फिल्मों से पहले आ गई है, और मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जितने भी कोवर्कर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है सबको ये बहुत खुशी हुई जान के कि ये फिल्म आई, और सबने ट्रेलर देखा, सबने पोस्टर देखे, आज शाम को गाना भी रिलीज़ होने वाला है, और ये खुशी मेरे लिए इट्स एक मैजिक है अपने आप में। और रवि जी के साथ जो तालमेल बैठा है वो अनकम्फर्टेबल नहीं था, मतलब हमें शायद शुरुआत के 5-6 दिन साथ में बिताने नहीं पड़े एक दूसरे से केमिस्ट्री बिठाने के लिए। जब पहला सीन हुआ और एहसास हुआ कि बस आंखों ही आंखों में बहुत बातें हुई और अपने आप तालमेल बैठ गया। जी रवि जी, जब आपका पहला दिन था सेट पर कैसी कैसे आपने अपने आप अपने दिल को बहलाया कि भैया चलो आप फिल्म तो करनी है और सामने इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस है, कैसे आप कर पाए? अरे देखते ही कैसे हो गया काम वो मुझे भी नहीं समझ में आया क्योंकि मुझे भी डर था, फर्स्ट मूवी थी, लेकिन अभी मैडम को देखा तो आंखों आंखों में बताया ना ऐसा हो गया तो उसके बाद देखने के बाद काम कितना इजली हो गया, कितना अच्छा हुआ काम, बहुत मजा आया काम करके इनके साथ हमको। रवि जी ट्रेलर की बात करें, ट्रेलर में आपने जो देखा कि आप पागल का किरदार निभा रहे हैं और बहुत ही संजीदा कैरेक्टर है वो, तो कुछ तैयारियां की किस तरह से वो रोल आपने निभाया? नहीं, वो जब स्टोरी पे हम लोग 5-6 महीने से काम कर रहे थे तो काफी कुछ हार्ड वर्क किया है उसके लिए हमने, तो वो रोल में मतलब बखूबी हम पब्लिक को पसंद आए वो रोल, और जो है हम वो काफ़ी मेहनत की है वो रोल के लिए, तो तब जाके हम वो मुकाम तक पहुँचे कि हम वो रोल अच्छे से किए हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने मुस्लिम कैरेक्टर निभाया, इन्होंने हिंदू कैरेक्टर है, हिंदू कैरेक्टर में भी ये केवट के लड़के बने हुए हैं, तो ये पिक्चर जो है जैसे आजकल चल रहा है केरल स्टोरी, आपको पता होगा कुछ लव जिहाद को लेके बनाई गई है, क्या है इसका क्या मकसद है? जी नहीं, इस कहानी का लव जिहाद या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है,
ये सिर्फ दो एक ऐसे प्रेमी हैं जो एक अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, और कैसे दोनों को इस चीज़ से लेना ही देना नहीं है कि वो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ। बिना कास्ट को देखे जब प्यार होता है तब आप ये नहीं पहचानने की कोशिश करते हो कि दुनिया आपके साथ खड़ी होगी या आपके खिलाफ। जब आप प्यार कर लेते हो तो एक एक पक्का इमोशन होता है जहाँ पे आपको पता है कि अगर मेरा साथी मेरे साथ है तो उससे जुड़े परिवार वाले या मेरे जुड़े परिवार वाले साथ दें ना दें, हम एक दूसरे का साथ ज़रूर देंगे। और रही बात हिंदू और मुस्लिम की, तो हर एक फिल्म से एक मैसेज जाता है, शायद इस फिल्म से ये मैसेज ज़रूर मिले कि कास्ट और रिलीजन कुछ नहीं होता है, ये शरीर और ये शरीर एक ही है, वैसे ही कास्ट हो या फिर भावनाएं हो, सब कुछ एक जैसा होता है, आपको एक्सेप्ट करना और अपना देखने का नज़रिया बदलना होगा। रवि जी, मैं ये जानना चाहूँगा, मैं मुझे जो गाना सुना मैंने, रूहानी गाना है, शायद गंगा घाट पे ही ये शूट किया गया है, इसके अलावा कुछ और गाने हैं? गाने तो 6 हैं उसमें, आपको अच्छे गाने मिलेंगे, भोजपुरी टची भी गाने हैं 2-3 अच्छे अच्छे, तो आपको बेड सॉन्ग भी है एक, तो वो भी मिलेगा आपको, मतलब मिक्सअप है। और गाने तो साजन मिश्रा जी के हैं, तो गाने तो कमाल के हैं, सारे गाने अच्छे हैं। ट्रेलर जैसे मैंने आपका देखा सर, आप लोगों का काफी हिंदी वाला एकदम प्रॉपर फील था, भोजपुरी के जो वर्ड्स थे थोड़े बहुत कम थे, तो मैं तो ऐसा लगा हिंदी फिल्म का ट्रेलर देखा मुझे अच्छा लगा, तो ये मुझे अच्छी बात लगी, स्केल काफी अच्छा आप ऊंचा कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों का, तो उस बारे में क्या लगता है कितनी मेहनत हुई है बैक साइड में इसके लिए? जी, पहली बात तो मैं शायद बीच में नहीं काटना चाहती, बट मैं पहले ही बोलना चाहती हूँ कि एक फिल्म मेकर के ऊपर डिपेंड करता है उसे फिल्म कितनी शुद्ध और कितनी साफ बनानी है। जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई, पहली बात तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि भोजपुरी में तो स्पेशली एक होता है कि एक तड़का और एक चटक मटक भड़क थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस वैसी है, तो आप ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हो, अपने लिए नहीं। तो जब ये फिल्म का स्क्रिप्ट आया तो मैं इस बात से खुश थी, ये कुछ चैलेंजिंग है और शायद पब्लिक एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन जब ट्रेलर बाहर आया तो एक नहीं, आप जाइए कॉमेंट्स बॉक्स में और पढ़िए, पीपल आर सेइंग कि बॉलीवुड इंडस्ट्री, सॉरी, अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री पैन इंडियन इंडस्ट्री हो रही है। सो यस, साफ सुथरी फिल्म है और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है कि चलो ट्रेंड बदल रहा है और हो सकता है हम ही इसकी शुरुआत करें। फिल्म में ट्रेलर में देखने को मिला, मुझसे सवाल पूछ रही कि मुझे पहचान, तो वो कहते हैं कि नहीं, कितना बुरा लगता है ऐसे अगर आपको कोई पहचानता नहीं है, चलिए लाइफ को चाहे फिल्मों में। ये फिल्म मैंने शायद एक एक्टर के उससे नहीं बनाई, मैंने कभी ये एहसास भी नहीं किया कि मैं श्लेषा मिश्रा हूँ और ये मैं फील कर रही हूँ। मैं सना के हिसाब से बताऊँगी, जब प्यार करा है सना ने तो उसने ये चीज़ कभी नहीं सोची थी कि वो खुद अपने प्यार को छोड़ेगी या अपने प्यार से दूर होगी, लेकिन जब वो पहचानता नहीं है तो एक सोच के देखिए, आप किसी के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा दो, आप उसको अपना सब कुछ दे दो और पलक झपकते जब उसकी आँख खुले तो वो तुम्हारी पूरी पूरी दुनिया ही बंद कर दे। तो मेरी दुनिया बंद हो गई थी जब शिवा ने मुझे पहचाना ही नहीं। तो आपका कैरेक्टर जैसे सर से शिवा है, पहला ही इतना इम्पोर्टेंट फिल्म आपकी, इतना चैलेंजिंग रोल, बहुत मुश्किल होता है, फिर भी आपने अच्छे से निभाया लग रहा है ट्रेलर देखकर, ये आसान नहीं होता, तो कहाँ से इंस्पिरेशन आपने ली थी? नहीं, इस पे स्टोरी पे हम लोग 5-6 महीने से काम कर रहे थे, काफ़ी मेहनत किए हैं रोल के लिए हमने, तो वैसा फिर जाने के बाद हुआ, काफ़ी कुछ सपोर्ट मिला भी, इनका भी सपोर्ट था और भी जो भी टीम वर्क थे सबको सपोर्ट अच्छा मिला है, तो हम अच्छे से कर लिए। जी रवि जी, जैसे कि आपने एक किरदार किया है जिसमें आप पागल नजर आ रहे हैं, पागल वाला जो किरदार है करना बहुत मुश्किल होता है, आप कोई भी आप अभिनय कर लीजिए, लेकिन पागल वाला किरदार करना आपके लिए काफी चैलेंजिंग हुआ होगा, कहीं आपने देखा था या फिर कहीं से आपने कुछ सीखा या कहीं से आपने कोई फिल्म में देखा, कैसे? नहीं, मैं कहीं कुछ भी नहीं सीखा ना, तो कहीं मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अभी डायरेक्ट आया हूँ इसमें, इस लाइन में मैं फर्स्ट बार किया और ऊपर वाले की दया से अच्छा हुआ, और मैं सेकंड वाले में भी मेरा चैलेंजिंग रोल है और थर्ड भी अभी करके आया उसमें भी चैलेंजिंग रोल है, और मैं बखूबी तीनों फिल्में अच्छी किया हूँ, और ये तो लाजवाब है, इसका ट्रेलर आ ही गया, आप लोगों ने देखा फर्स्ट फिल्म में, तो सेकंड थर्ड आप सोचिए कितनी अच्छी होगी। जी श्लेषा जी, जैसे कि एक जोड़ी जब बन जाती है तो लोग उस जोड़ी को वापस देखना पसंद करते हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री में तो चलन है कि एक जोड़ी बन गई तो रिपीट होने ही होना है, क्या ये जोड़ी वापस नजर आएगी किसी फिल्म में? मैं तो बिल्कुल चाहूंगी ये जोड़ी नजर आए और लगातार इतनी नजर आए कि जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है, वो हमें एक नहीं दो बार नहीं, और हमें कहते हैं ना कंटिन्यूटी में देखना पसंद करें, क्योंकि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, आप फिल्म देखिएगा वो चस्का आपको जरूर लगेगा कि यार एक बार फिर से देखना है। कुछ बताना चाहेंगे रवि जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के बारे में?
प्रोड्यूसर तो भीमसेन त्रिपाठी जी थे और जो है डायरेक्टर धीरज जी थे, डायरेक्टर भी वो अच्छा काम किए उन्होंने भी, और सारे टीम वर्क जो था अभी उसमें एक लोटा तिवारी जी हैं जो कि हास्य कलाकार थे, उन्होंने भी अच्छा अभिनय किया है, रमेश द्विवेदी जी हैं और सोनिया मिश्रा जी हैं, तो जितने भी कलाकार थे सभी ने अच्छा काम किया है। खास करके हम श्लेषा मिश्रा जी का बोलेंगे, इन्होंने बहुत अच्छा, आप देखेंगे पिक्चर तो इनका अच्छा रोल है, और राकेश बाबू जी है, सॉरी उनको भूल गया था नाम, राकेश बाबू जी है जो सेकंड लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अच्छा अभिनय किया है, अच्छा रोल किया है, तो वो हम लोग ओवरऑल सभी ने अच्छा काम किया है, तो पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। तो आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग ट्रेलर को सपोर्ट जैसे दे रहे हैं वैसे फिल्म में जाके देखिए। आज हमारा पहला गाना रिलीज हो रहा है 7 बजे, शाम 7 बजे इंटरटेन रंगीला पे, तो आप लोग ज़रूर देखिए और उसको भी अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। सर गाने का नाम क्या है? सर गाने का नाम है भैल इश्क मोहब्बत प्यार, तो गाने का बोल आप देख लीजिए, तो इश्क मोहब्बत प्यार आप लोग भी करिए उससे। बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है, बहुत ही मेलोडियस जी। कब तक फिल्म आएगी, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कब तक? ये 1 मंथ के अंदर आ जाएगा, 1 महीने के अंदर पिक्चर आ जाएगी, क्योंकि अभी एक एक करके गाने रिलीज होंगे पहले। अभी जैसे फर्स्ट सॉन्ग आज रिलीज हो रहा है, फिर अभी 2-4 दिन बाद दूसरा रिलीज होगा, ऐसा करके 6 गाने हैं, तो 6 गाने रिलीज होने के बाद फिर मूवी आएगी। और हमने प्लान किया इसको थिएटर रिलीज के लिए, तो थिएटर का रिलीज का डेट भी हम आप लोग को जरूर अपडेट करेंगे, बहुत जल्द आपको बताएंगे। थिएटर में भी जगह जगह लगने वाला है, एंड सेटेलाइट अपना टीवी पे तो आएगा ही। थैंक यू।